हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप चंद्राकर और आप देख रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन का क्रैश कोर्स। टिल नाउ हमने चैप्टर वन जो है ऑलमोस्ट एंड की ओर है ना। बहुत सारी चीज़ें हमने बात की है। और अगर मैं बात करूँ, आपकी पढ़ाई जो है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रही है। मतलब आपने जो एक मंजिल सेलेक्ट किया अपने लाइफ में, फ़िलहाल इस ड्यूरेशन पे जो आप चाहते हो, उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए क्या होगा कि बहुत लोग सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किए, बहुत लोगों की मंजिल रही, लेकिन कुछ लोग आधा चढ़ रहे हैं, रुक जा रहे हैं। सो रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना। आप चलते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ये पूरा होगा। बस पीछे एक बैकग्राउंड में ना ऐसा रहना चाहिए कि हाँ भाई मुझे कंप्लीट करना है। मतलब अगर मैं बोलूँ फिल्मी स्टाइल में, तो एक म्यूज़िक चलते रहना चाहिए कि यस ये मेरा टारगेट है और मुझे चलते रहना है। या दिन रात सब बराबर, अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, वो भी बहुत अच्छे रैंक से। क्योंकि एग्ज़ाम निकालना बहुत लोग हैं जो एग्ज़ाम निकाल लेंगे, लेकिन अच्छे रैंक से, तो जान लगाओ, जान लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए थ्योरी ऑफ मशीन में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि 4 बार मैकेनिज्म क्या होता है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है क्या होता है, उसका इन्वर्जन किस तरीके की चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब मैंने बात कर लिया है। अब देखिए एक छोटी सी चीज़ है जिसके बारे में बात करनी चाहिए, वो है मैकेनिकल एडवांटेज। बात करेंगे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, अब देखिए आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज है किसी भी मशीन के लिए वो क्या होता है। आपका मैकेनिकल एडवांटेज सिंपली डिफाइंड होता है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एफर्ट टू द इनपुट, टू द इनपुट एफर्ट। सो मैकेनिकल एडवांटेजेस आउटपुट एफर्ट टू द इनपुट एफर्ट। ठीक, ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है। अगर मैं बात करूं एक मैकेनिज्म, मैकेनिज्म से ही मिलके तो मशीन बनता है। ठीक, और इन जनरल अगर मैं बोलूं तो किसी भी मशीन का आप मैकेनिकल एडवांटेज क्या चाहते हो, ग्रेटर देन वन। क्यों सर ग्रेटर देन वन क्यों? क्योंकि आप ये चाहोगे ना, जैसे कि आप क्रैश कोर्स देख रहे हो, आप ये चाहते हो कि इनपुट कम रखूं, आउटपुट जितना ज्यादा हो सके उतना करूं। सो आउटपुट अगर ज्यादा होता है इनपुट से, सो ऑब्वियसली ये रेशियो क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन वन आना चाहिए। देखो न्यूमेरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, सो दिस रेशियो शुड बी ग्रेटर देन वन। सो आप किसी भी मशीन के लिए, किसी भी मशीन के लिए आप चाहते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन हो। सो अगर मैं मैकेनिज्म का स्टडी कर रहा हूं तो वहां पे भी मैं सोचूंगा कि हाँ मैकेनिकल एडवांटेज कितना मिल रहा है, कैसे हो रहा है, सो वो जानने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैं 4 बार मैकेनिज्म ले रहा हूं, सो 4 बार मैकेनिज्म में मैकेनिकल एडवांटेज किस तरीके से निकलेगा, चलिए देखते हैं। लेट अस अज्यूम ये फिक्स कर दिया 4 बार मैकेनिज्म है, तो इसको मैंने कह दिया ए, ये हो गया बी, बी सी डी। ठीक, लेट अस अज्यूम अगर मैंने कहा कि ये लॉ सेटिस्फाई कर रहा है और ये लिंक आपका, जैसे मैंने बोल दिया ये पी हो गया, ये अगर इसको क्यू मान लिया, इसको मैंने मान लिया एल और इसको मैंने मान लिया एस। सो अगर ये लॉ सेटिस्फाई कर रहा है तो ये किस तरीके का आपका इन्वर्जन होगा भाई, किस तरीके का इन्वर्जन होगा आप खुद देख के बता सकते हैं। सर अगर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है और जो शॉर्टेस्ट लिंक है दैट इज योर फिक्स टू एडजेसेंट है ना, दैट इज योर एडजेसेंट टू फिक्स, एडजेसेंट टू फिक्स शॉर्टेस्ट लिंक जो है वो आपका ये जो फिक्स है उसका एडजेसेंट है। मतलब सर ये पूरा कंप्लीट रोटेशन में होगा तो क्रैंक,
और ये आपका पार्शियल रोटेशन में होगा तो रॉकर, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म होना चाहिए, सिंपल। यस सर, ठीक। चलिए, ये कैसा है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है। अब ये जो घूमेगा, जब ये जब घूमेगा आपका, एस किस में होगा, कंप्लीट रोटेशन में होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट रोटेशन में होगा। ये जो सी है ये पार्शियल रोटेशन में होने वाला है। लेट अस अज्यूम ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक। और जब ये वाला ए बी और बी सी कोलिनियर हुए, सो ये ऑब्वियसली एक एक्सट्रीम पोजिशन पे होगा सर, यहां कहीं। लेट अस अज्यूम ये एक एक्सट्रीम पोजिशन पे है, जब आपका बी पॉइंट यहां कहीं आया होगा। लेट अस अज्यूम इसको मैंने बी वन बोल दिया, इसको मैंने सी वन बोल दिया, एक एक्सट्रीम पोजिशन। अब अगर मैंने सी डी को बोला कि ये पार्शियल रोटेशन में, आप ही ने तो बोला ना भाई क्रैंक रॉकर है सर, ये पार्शियल रोटेशन में होगा, मतलब यहां तक ये एक्सट्रीम पोजिशन पे आया, एक एक्सट्रीम पोजिशन, उसके बाद यहां से ये वापस जाएगा, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल जाना चाहिए सर, बिल्कुल जाना चाहिए। चलिए, सो ये वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है, और लेट अस अज्यूम जब ये आपका बी बी वन पे था तो ये यहां पे था सी पे, अब ये जो बी वन है घूम के यहां पे आया आपका, लेट अस अज्यूम बी टू बोल दिया, सो उस समय ये सी टू हो गया। ये एक एक्सट्रीम पोजिशन है, दो एक्सट्रीम पोजिशन है, दो एक्सट्रीम पोजिशन। यहां तक आपको बात क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर ये एक एक्सट्रीम पोजिशन मिल गया, हाँ ना, कि ये वाला जो लिंक है आपका सी डी लिंक, वो यहां तक आ सकता है, उसके बाद यहां से फिर वापस आएगा, सो ये इस तरीके से ऑसिलेट होगा ये इसके पूरे रोटेशन पे। ये क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज अगर मैं डिफाइन करने जाऊं तो मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट एफर्ट, है ना। सो आपका एक फोर बार मैकेनिज्म में यार, यहां पे लेट अस अज्यूम अगर मैंने लिंक इसको इस तरीके से नंबरिंग कर दिया, ये लिंक नंबर वन हो गया, ये टू हो गया, ठीक है सर, ये थ्री हो गया, ये आपका फोर हो गया। ओरिजिनल फिगर कौन सा था, ब्लू वाला, ठीक। सो आपका ये चार लिंक है, मैंने इनपुट यहां पे इनपुट दिया, आपका जो एफर्ट है वो टॉर्क, इनपुट एफर्ट क्या होगा, रोटेशन में टॉर्क होता है और लीनियर मोशन में फोर्स होता है। सो अगर मैं बोलूं मैकेनिकल एडवांटेज कहीं पे आपको लीनियर मोशन में देखना है, लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन हो रहा है, सो लीनियर मोशन किस वजह से हो रहा होगा, फोर्स की वजह से सर, फोर्स की वजह से, बिल्कुल। सो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज आप इन टर्म्स ऑफ फोर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल, दैट इज योर आउटपुट फोर्स डिवाइडेड बाय इनपुट फोर्स, इनपुट फोर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। अगर आपका रोटेशनल हो रहा है, रोटेशन में हो रहा है, रोटेशन में हो रहा है, सो यहां पे एफर्ट किस वजह से आएगा, रोटेशन मोशन, बिकॉज टॉर्क दे रहे होंगे सर, जो फोर्स दिए होंगे वो टॉर्क में कन्वर्ट हो गया होगा, तभी तो रोटेशन आ रहा है। यस, बिल्कुल ठीक। सो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज आप लिख सकते हैं, दैट इज योर टॉर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय टॉर्क इनपुट सर। अब देखिए, अगर मैंने किसी मैकेनिज्म में ये बोला कि इसका जो इफिशियंसी है वो 100% है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली अगर आपका सिचुएशन आया देन देयर विल बी इफिशियंसी रहेगा, सो उसके बारे में भी अपन सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आइडियल कंडीशन एज्यूम किया और मैंने कहा कि जितना आप इनपुट पावर दे रहे हैं उतना पावर आपका आउटपुट है। सो अगर लीनियर में आप पावर का इक्वेशन लिखना चाहेंगे, सो आपने बोला कि भाई इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर, शुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर, क्या बात समझ में आ रही। हमने बोला कि भाई जितना इनपुट आपने प्रोवाइड किया उतना आउटपुट आपको मिल रहा है, देयर इज लॉसेस जो है वो ने उसको मैंने जीरो कंसिडर किया, ठीक है सर, जीरो कंसिडर किए, सो इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं लीनियर में पावर के बारे में बात करता हूं तो फोर्स इंटू वेलोसिटी आप लिखते हो, सिंपल इक्वेशन, यस, फोर्स इंटू वेलोसिटी, सो इनपुट फोर्स इंटू इनपुट वेलोसिटी सर, इनपुट फोर्स इनटू इनपुट वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू आउटपुट फोर्स इनटू आउटपुट वेलोसिटी होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे अगर मैं पावर इनपुट और पावर आउटपुट लिखूंगा तो टॉर्क आउटपुट
अच्छा इनपुट लिख रहा है, तो टॉर्क इनपुट इनटू ओमेगा इनपुट एंड टॉर्क आउटपुट इनटू ओमेगा आउटपुट होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ टॉर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स, फोर्स आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट है, सो यहां से अगर मैं इस तरीके से लिखा कि फोर्स आउटपुट डिवाइडेड बाय फोर्स इनपुट, फोर्स इनपुट, सो फोर्स आउटपुट डिवाइडेड बाय फोर्स इनपुट शुड बी इक्वल टू वी इनपुट डिवाइडेड बाय वी आउटपुट। मतलब आप मैकेनिकल एडवांटेज को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ये देखिए, यहां पे फोर्स के टर्म में आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट था, एफर्ट था वो, सो वेलोसिटी के टर्म में वो रिटर्न उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया। क्लियर हो रही बात? ठीक, बिल्कुल सर, ठीक, यहां तक क्लियर होना चाहिए। सिमिलरली यहां पे अगर मैं बोलूंगा टी आउटपुट सर डिवाइडेड बाय टी इनपुट शुड बी इक्वल टू ओमेगा इनपुट डिवाइडेड बाय ओमेगा आउटपुट, सो ये भी मैकेनिकल एडवांटेज हो सकता है। सो इस केस में अगर मैंने टी टू टॉर्क एफर्ट इनपुट दिया, टॉर्क आपका यहां पे टी टू इनपुट दिया, टी फोर मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है भाई, टी फोर आउटपुट मिल रहा है, मिल रहा है। सो मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में क्या होगा सर? मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू टी फोर डिवाइडेड बाई टी टू, टी फोर डिवाइडेड बाई टी टू, बिल्कुल बिल्कुल होगा। ठीक, दिस इज द आउटपुट एफर्ट एंड दिस इज इनपुट एफर्ट, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू, इट शुड बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? अगर मैंने टी फोर और टी टू किया तो ये ओमेगा टू डिवाइडेड बाई ओमेगा फोर रेसिप्रोकल में आना चाहिए। ये देखिए सर, आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, सो इनपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट आया, सो ये आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट है, तो ये इनपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट आना चाहिए ओमेगा के टर्म में, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए। यस, सो दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज फॉर दिस फोर बार मैकेनिज्म। ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज है इस फोर बार मैकेनिज्म का, बिल्कुल सर है। ठीक, अब देखिए, अगर मैंने कहा कि एक एक्सट्रीम पोजीशन मैंने कंसिडर किया, कौन सा एक्सट्रीम पोजीशन सर? ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन अगर मैंने कंसिडर किया, दिस इज नथिंग बट एक्सट्रीम, अगर मैं कंसिडर करूंगा तो राइट, एंड दिस इज नथिंग बट एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द फॉर द लिंक सी डी, ये आपका एक्सट्रीम राइट पोजीशन है। एक्सट्रीम राइट, और ये वाला, ये जो दिख रहा है ये, ठीक, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, बिल्कुल सर। अगर ये आपका एक्सट्रीम राइट है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, मतलब आपका जो सीडी है इसी पे ऑसिलेट होने वाला है सर, इसी पे पार्शियल रोटेशन पे होने वाला है, मतलब ये घूम के जब यहां पे आया होगा और यहां से जब ये वापस जाने के कंडीशन पे होगा, तो यहां पे ओमेगा फोर, ओमेगा फोर क्या होना चाहिए? जीरो सर। यार आपका इस लिंक का, सीडी लिंक का ओमेगा क्या है? ओमेगा फोर है सर, और ये घूमते 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 यहां पे आया और यहां पे रुक के फिर वापस जाएगा, तो यहां पे जब आया होगा तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा जब ये वापस जाने के कंडीशन पे होगा, तो जीरो होना चाहिए सर, बिल्कुल बिल्कुल जीरो है। याद आ रहा है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्रैंक स्लॉटेड लीवर, उसमें भी बताया था मैं जीरो, यस दिस इज जीरो। सिमिलरली क्या यहां पे भी जीरो होगा सर? ओमेगा फोर जीरो होगा, और ओमेगा फोर क्या है सर? आउटपुट है, और इस कंडीशन में अगर मैं देखूंगा मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज दो केसेस हैं, केस नंबर वन एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट दैट इज योर सी डी एक्सट्रीम राइट पे है, तब सी डी आपका एक्सट्रीम राइट पे है, तब सो एक्सट्रीम राइट पे है तो ओमेगा फोर जीरो, सो मैकेनिकल एडवांटेज ओमेगा टू तो कुछ ना कुछ है, बिकॉज आपका जो क्रैंक है वो तो कंटिन्यूअस रोटेशन में रहेगा, इस पे ओमेगा टू कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ओमेगा टू होगा सर कुछ ना कुछ।
बट यहां पे ओमेगा फोर जीरो है, मतलब दैट इज योर ओमेगा टू डिवाइडेड बाय ओमेगा फोर जीरो, सो इट इज टर्न्स टू व्हाट, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मैकेनिकल एडवांटेज इन्फिनिटी मिल रहा है सर। सो इसका मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ डियर कि अगर मुझे यहाँ पे इस कंडीशन पे मैं बात करूँ तो आउटपुट के लिए मिनिमम एफर्ट देने की जरूरत है, मिनिमम एफर्ट देने की जरूरत है। मतलब समझिए कि दिस इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज आपका इन्फिनिटी हो रहा है और मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इतना बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा है, टर्न्स टू इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा है, और उसके लिए आप कह रहे हो कि इनपुट बहुत कम देने की जरूरत है। सो जैसे कि अगर मैं बोलूं एक स्टोन क्रशर होता है, स्टोन क्रशर मतलब समझ रहे हो, पत्थर तोड़ने की मशीन, अगर मैं एक स्टोन क्रशर बनाना चाहूं जस्ट, है ना, आप सोचिएगा, इस पे एक लिंक डाल दिया और यहां पे एक क्रशर लगा दिया, ये क्रशर लगा दिया, ठीक, यहां पे छोटा छोटा पत्थर रख दिया, ये पत्थर रख दिया भाई जिसको मुझे तोड़ना है, ये पत्थर है। So, क्या हुआ होगा जब ये इंड में आया होगा यहां पे, तो मुझे और ज्यादा फोर्स की जरूरत है, मतलब इसको क्रश करना है। इससे पहले तक तो ये सिर्फ ट्रैवल कर रहा था तब तो दिक्कत नहीं था, लेकिन इंड में मुझे इसको क्रश करना है। सो इंड में क्रश करना है तो फोर्स की जरूरत रहेगी। सो आप चाहते हो कि ये पोजिशन वो पोजिशन रहे जहां पर मुझे इनपुट देने की जरूरत कम रहे, ये इनपुट इनपुट एफर्ट आपका कम रहे, जितना कम रहेगा उतना अच्छे से आप काम कर सकते हो। सो यस, इस तरीके का मैकेनिज्म आप स्टोन क्रशर में यूज कर सकते हो, बिल्कुल सर, ठीक। सो आपका जिस पोजीशन पे मैकेनिकल एडवांटेज टर्न्स टू इन्फिनिटी होता है वो पोजीशन कहलाता है टॉगल पोजीशन। क्या कहलाता है? टॉगल पोजीशन। दिस इज नथिंग बट योर टॉगल पोजीशन। ये आपका टॉगल पोजीशन कहलाएगा, टॉगल पोजीशन कहलाएगा। सिमिलरली केस नंबर टू में अगर ये एक्सट्रीम लेफ्ट में रहा, एक्सट्रीम लेफ्ट में है, सीडी एक्सट्रीम लेफ्ट में, सो उस समय भी सर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, बिकॉज ओमेगा टू तो रहेगा बट ओमेगा फोर इज जीरो, सो इट इज टर्न्स टू इन्फिनिटी, मतलब ये भी टॉगल पोजीशन है। तो इस केस में दो जगह टॉगल पोजीशन मिलने वाला है, एक तो यहाँ पे और एक तो यहाँ पे। सो समझ में आया क्या टॉगल पोजीशन क्या होता है? टॉगल पोजीशन इज द पोजीशन वेयर यू विल गेट इन्फिनिटी मैकेनिकल एडवांटेज। दिस इज नथिंग बट एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या मिल रहा है? इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक। सो दिस इज योर टॉगल पोजिशन, टॉगल पोजिशन कहलाएगा भाई, ठीक। नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए अब देखिए, जो स्टूडेंट ये क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हैं ना, उनके मन में एक बात आना चाहिए, उनके दिमाग में ये बात आनी ही चाहिए कि सर अगर एक्सट्रीम पोजिशन है इस पे, सो इस पे भी तो क्विक रिटर्न वाली कोई बात हो रही होगी, क्योंकि अगर मैं इस पर क्विक रिटर्न चाहता हूं तो कैसे निकालूंगा? मतलब अगर मेरे पास एक्सट्रीम पोजीशन, मैंने बोला था कि क्विक रिटर्न एनालिसिस करने के लिए आपको एक्सट्रीम पोजीशन चाहिए, सो क्या इसका क्विक रिटर्न एनालिसिस कर सकते हैं? चलिए देखते हैं, पहले ये इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, क्विक रिटर्न रेशियो के बारे में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, एक फोर बार मैकेनिज्म में, जो कि कैसा मैकेनिज्म है आपका? क्रैंक रॉकर, ठीक है। अब देखिए, आपका एक चीज मुझे समझ में आ रहा है, जब ये B1 मतलब B जब घूम के B1 पे था, उस समय C घूम के C1 पे था, एक एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक, और जब यहां से ये घूम के आगे बढ़ा
तो ये जो C1 था वो इधर से चलना शुरू हुआ और वो C2 पे आया जब B1 घूम के B2 पे आया। मतलब सर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो है B1 घूम के B2 तक आया, मतलब ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल आपका रिटर्न एंगल, यहाँ से यहाँ ये वापस आया, क्योंकि मैंने ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है, सो यहाँ से ये वापस आ रहा होगा, वापस आ रहा होगा, सो दिस शुड बी द रिटर्न एंगल सर। यस, दिस इज द रिटर्न एंगल। और अगर ये यहां से घूम के यहां आ रहा है, सो दिस शुड बी योर फॉरवर्ड एंगल सर, थीटा एफ। यस, सो थीटा एफ बाई थीटा आर अगर मैंने निकाल लिया, सो क्विक रिटर्न रेशियो होगा थीटा एफ थीटा आर। समझ में आया? वापस एक बार, पता नहीं कितने लोगों को चमका, कितने लोगों को नहीं चमका, लेकिन जो मेरे पूरे लेक्चर्स देख रहे होंगे कंटिन्यूअसली, उनको एकदम चुटकियों में समझ में आना चाहिए सर, सामने दिख रहा है, घूम रहा है। यस ठीक। सो देखिए यहाँ पे यार, ये वाला लाइन जब था इस तरीके से, बी जब घूम के B1 पे आया था, सो सी C1 पे था, ठीक यहाँ पे था सर, ये एक एक्सट्रीम पोजिशन है। सो यहां से बट ऑब्वियस है वो वापस जा रहा होगा, मतलब जब B1 घूमते हुए B2 पे आया होगा तो ये घूमते हुए वापस आया होगा, सो ये यहां से यहां तक कंप्लीट किया, रिटर्न आया, रिटर्न आया। सिमिलरली जब B2 घूम के सर वापस B1 पे गया होगा तो ये C2 घूम के C1 तक पहुंच गया होगा, मतलब यहां से लेके B2 से लेके B1 तक का एंगल, सॉरी हाँ ये वाला पोजिशन ना, ये वाला पोजिशन, मैं वही सोच रहा था, यहाँ पे गलती हो गई, एक गलती हो गई। यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट, आप सही हैं, आप सही हैं। ये यहाँ पे आएगा, ये वाला एंगल ऑब्वियसली यार, B2 घूम के कहाँ पे आना चाहिए सर? B2 घूम के सर B1 तक आना चाहिए। सो यस, B2 घूम के कहाँ तक आया? B1 तक आया, तो ये आपका क्या होगा? थीटा फॉरवर्ड होगा। सो थीटा एफ और थीटा आर 360 होता है, वो तो गलती यहां से भी पता चल जाती, क्योंकि सर आप इतना ही एंगल लिए थे, ये एंगल किसके लिए छोड़ दिए थे, ये समझ में आ जाता, ठीक है ना? दस ओके ठीक है, आपको अब क्लियर हुआ क्या? यस सर, यहां से घूम के यहां तक गया तो क्या हुआ? रिटर्न, यहां से घूम के यहां तक आया तो फॉरवर्ड, सो फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रिटर्न, यही तो आपका क्विक रिटर्न रेशियो है। बिल्कुल, क्विक रिटर्न रेशियो फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रिटर्न, फॉरवर्ड डिवाइडेड बाई रिटर्न होगा, ठीक। सो देखिए आपका, अब अगर मैं फॉरवर्ड एंगल निकालना चाहूं या रिटर्न एंगल निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल सर, ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज है क्या? ये देखिए दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक। सो दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, सो पहला ट्रायंगल ये मैंने बना दिया, एक एक्सट्रीम पोजिशन पे है ये इस तरीके से सर, B1 यहां पे था और C1 यहां पे था, ये आपका फिक्स था, ये पहला फिगर हुआ। सेकेंड फिगर अगर मैं दिखाऊं, सो वो इस तरीके से कुछ बना, B1 यहां पे आ गया सर, C1 यहां पे आ गया, ये आपका A था, ये आपका डी था, ये ए है, ये डी है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, ये दो फिगर बन रहे हैं। यस सर, ये देखिए एक रेड वाला, ये वाला, यस ये वाला, ठीक। दूसरा आपका ये जो ब्लैक वाला है, यस सर। अब देखिए सर, जो थीटा एफ है वो यहां से यहां तक 180 होगा, और उस पर अगर ये एंगल प्लस कर दिया तो मुझे थीटा एफ मिल जाएगा, 180 प्लस दिस एंगल। सिमिलरली अगर थीटा आर यहां से यहां तक होता तो 180 होता, लेकिन वो है यहां से, मतलब ये एंगल माइनस हो रहा होगा। लेट अस एज्यूम दिस इज द एंगल फाइव, दिस इज द एंगल फाइव। अगर मैंने ये रेड वाला लाइन यहां से बोला थीटा वन बना रहा है और ये ब्लैक वाला लाइन थीटा टू बना रहा है, मतलब दिस शुड बी द थीटा टू सर एंड दिस शुड बी द थीटा वन सर। बिल्कुल, सो थीटा टू ये आपका क्या बना रहा है? ये वाला सर, ये वाला आपका थीटा टू और ये थीटा वन बना रहा है। अच्छा, नाम से, हाँ बिल्कुल सही, नाम से भी वही है, नाम से भी वही है, नाम से, अच्छा एक गलती हो गई, ये B2 था, ठीक है, नाम से अलग अलग हो गया ना भाई, नाम से तो अलग अलग हो गया, C2 है ये, C2
C2 है, बिल्कुल ये 1 1 था। सो इसको ना एक काम करता हूँ मैं, कौन सा एंगल सर नाम के हिसाब से चलते हैं, ये वाला जो एंगल है ये कब था, जब 2 के साथ था तो इसको थीटा 2 माना, और ये वाला जो एंगल है उसको मैंने थीटा 1 माना, मतलब ये थीटा 1 होगा सर ब्लैक वाले लाइन के साथ और ये थीटा 2 होगा, सिंपल सिंपल। अगर मैंने ये जो थीटा 1 है वो निकाल के ये थीटा 2 में, सॉरी ये थीटा 2 में ये थीटा 1 को माइनस कर दिया, थीटा 2 में थीटा 1 को माइनस कर दिया, बिल्कुल सर फाई इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 अगर कर दोगे सो आपका थीटा एफ दैट इज योर फॉरवर्ड स्ट्रोक एंगल क्या हो जाएगा, 180 प्लस फाई एंड थीटा रिटर्न 180 माइनस फाई। सो क्या थीटा 2 माइनस थीटा 1 निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये देखिए आपको ये डायमेंशंस पता है कौन सा, ये एस हो गया, ये एल हो गया, ये आपका पी था इसको पी दिया था, इसको मैंने क्यू दिया था, सो ये एस प्लस एल हो गया। सिमिलरली ये एस था और यहाँ से लेके बी से लेके, ये देखिए बी से लेके सी तक एल था, सो बी से लेके सी तक पूरा एल होगा, ये एल होगा और ये एस है, तो बचा कितना सर, एल माइनस एस, एल माइनस एस, यस दिस इज योर एल माइनस एस, ये आपका पी है सर, ये आपका क्यू है, ये आपका पी क्यू, ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना था, एस प्लस एल था। यार कोसाइन रूल आपको पता है क्या, कोसाइन रूल लगा कि क्या थीटा 1 थीटा 2 निकाल सकता हूं, जो एंगल निकालना है मुझे थीटा 1 अगर निकालना है तो ये एंगल जो कंसिडर करूंगा ठीक, सो थीटा 1 उसके सामने वाला दैट इज यू क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एस प्लस एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 पी इंटू एस प्लस एल कॉस थीटा 1 सर। सो यहां से थीटा 1 निकल जाएगा, थीटा 1 निकल जाएगा। सिमिलरली अगर इस पे करूँ तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एस एल माइनस एस होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 पी एल माइनस एस कॉस थीटा 2। सो यहाँ से थीटा 2 निकल जाएगा सर। ये देखो कोसाइन रूल लगा दिया, कोसाइन रूल लगा दिया ठीक। सो कोसाइन रूल अगर लगाओगे सो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल मिल जाएगा, दोनों एंगल अगर मिल गया तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 से फाइव और फाइव से उसके बाद क्विक रिटर्न रेशियो, आसान ठीक। सो ये सवाल नहीं आया है लेकिन आ सकता है भाई, अगर साथ में बात होनी थी तो मैंने बात कर दिया ठीक। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है चलिए, देखिए मैंने मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में आपको बताया कि आउटपुट एफर्ट डिवाइडेड बाय इनपुट एफर्ट इज योर मैकेनिकल एडवांटेज। अगर यहाँ पे इस तरीके से आपके पास सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है और उस पे भी मैंने सिलेंडर को फिक्स किया है, सिलेंडर लिंक को फिक्स किया है, तो पहला जो मिल रहा था रेसिप्रोकेटिंग इंजन, चलिए रेसिप्रोकेटिंग इंजन अगर है आपके पास सो वो कैसे होगा सर, रेसिप्रोकेटिंग इंजन ये इस तरीके से हो रहा होगा, ये आपका क्रैंक है,
इसको ओ ए बी बोल दिया, ठीक। ये जो क्रैंक होगा वो इस तरीके से रोटेट हो रहा होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल सर रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए डियर, यहां पे अगर मैं बात करूं, आपका अगर ये इंजन है, क्या है? इंजन है। अगर इंजन है तो इनपुट कहां से मिलेगा? इंजन है तो सर इनपुट आपका कंबशन तो किस में हो रहा होगा? सिलेंडर में सर। सिलेंडर में मतलब यहां से आपको इनपुट मिलने वाला है। सो दिस इज द इनपुट, यहां पे लिख देता हूं, ये आपका इनपुट होगा, ठीक। कैसे आइडेंटिफाई किए? इंजन है, इंजन में क्या होता है, आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है या जो भी आपका जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हो, वो कंबशन उसका कहाँ होने वाला है? आपका सर सिलेंडर में होने वाला है, और वहीं से आपका एक्सपांशन स्ट्रोक पावर स्ट्रोक, यस, वहां से आपको इनपुट मिलेगा इसके लिए। और आउटपुट कहाँ से मिलने वाला है? सर यहाँ से आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट की जगह है, ठीक। लेट अस एज्यूम इसका नेमिंग वैसे किया मैं, इस पे नेमिंग जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। इसको मैंने फिक्स को वन बोला, फिक्स को वन बोला, ठीक सर। ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, और ये आपका स्लाइडर हो गया फोर, चार लिंक। मैंने जो इनपुट दिया वो यहां से आपका फोर्स के टर्म पे है, लेट अस एज्यूम, है ना, ये लिंक नंबर फोर है, लिंक नंबर फोर है। सो आपका जो यहां पे होगा वो फोर्स के टर्म में होगा, यस, दिस इज योर एफ फोर, एफ फोर। सो एफ फोर आपका ट्रांसफर हुआ होगा और यहां पे टॉर्क देगा, बट ऑब्वियस है यहां पे आपका टॉर्क देगा, ठीक है सर। यहां पे आपका फोर्स ट्रांसफर हुआ होगा, लेट अस एज्यूम एफ टू, है ना, यहां पे जो फोर्स आ रहा है, और एफ टू इंटू दिस रेडियस, अगर इसको मैंने आर टू बोला, सो एफ टू इंटू आर टू विल गिव यू वॉट? टॉर्क। यहां पे एक टॉर्क ये आया, ये टॉर्क आया, दैट इज योर टी टू, उसकी वजह से ये ओमेगा टू से घूम रहा है, ये ओमेगा टू से घूम रहा है, ठीक है सर। सो यहां पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू आउटपुट एफर्ट डिवाइडेड बाय इनपुट एफर्ट। आउटपुट एफर्ट क्या है? टी टू। इनपुट क्या होना चाहिए? टी फोर। लेकिन सर हमारा टॉर्क के टर्म में नहीं है, इनपुट नहीं है, लीनियर फोर्स के टर्म में, तो लीनियर फोर्स के टर्म में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? दैट इज योर सर आउटपुट फोर्स इज एफ टू, और इनपुट फोर्स जो है वो है एफ फोर, वो है एफ फोर, ठीक है, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर, यही है, दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द इनपुट। अब क्या इसको वेलोसिटी के टर्म में लिख सकता हूं? वेलोसिटी के टर्म में, ये इंजन के लिए लिख रहा हूं, तो ये क्या हुआ? आउटपुट हुआ, ये क्या हुआ? इनपुट हुआ। क्यों ये आउटपुट हुआ? बिकॉज इनपुट यहां से दोगे, आउटपुट यहां से मिलेगा। सो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट एफर्ट, वेलोसिटी के टर्म में लिखना रहेगा, तो वी फोर बाई वी टू, दिस इज द इनपुट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आउटपुट वेलोसिटी। सो दिस शुड बी द मैकेनिकल एडवांटेज फॉर इंजन, फॉर इंजन। नाउ माय डियर, अगर मैं इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पे देखा इस तरीके से, इसके दो एक्सट्रीम पोजीशन हो सकते हैं, बिल्कुल सर। एक तो ये हो गया कि ये आपका यहां कहीं होगा और ये यहां होगा, ठीक। आपका जो ए पॉइंट है वो यहां पे है, ए वन बोल दिया, इसको मैंने कह दिया ये बी वन, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, और यहां पे अभी आपका जो फोर्स होगा कुछ ना कुछ होगा, फोर्स होगा कुछ ना कुछ दे रहा होगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी, क्योंकि यहां से ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, सो यहां पे वेलोसिटी वी फोर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। स्लाइडर की वेलोसिटी चाहे किसी भी डायरेक्शन में दिखाओ, है ना, जीरो है वेलोसिटी, तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सो आपका क्या हुआ कि ये वाला जो रॉड था, ये वाला जो क्रैंक था, ये घूमते 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 जब यहां पे आया होगा, सो ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन यहां पे रहा होगा सर, ये यहां पे रहा होगा, बिल्कुल था सर, बिल्कुल था। सो अगर ये यहां पे था और यहां से फिर से जब ये घूमेगा तो वापस आएगा, सो ये एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। सो ये चलते चलते पहुंचा होगा और यहां से जब वापस आएगा तो जाके वापस आ रहा है, मतलब वेलोसिटी एक टाइम पे जीरो हुआ होगा, यस, वी फोर एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो है। सो डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कि इसका ये ओमेगा दे दिया, इसका आर दे दिया, ये ओमेगा टू से घूम रहा होगा कोई,
ठीक, सो इस पे वेलोसिटी भी होगा, यस सर, v2 तो है, v2 तो है, बट दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, v4 जीरो। सो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज अगर मैं देखना चाहूंगा, मैकेनिकल एडवांटेज इट विल बी v4 इज जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय v2, सो आपका मैकेनिकल एडवांटेज जीरो होगा। सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पोजीशन पे भी इसी तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, आपका स्लाइडर आ गया सर एक पोजीशन पे, और यहाँ कहीं आपका हिंज रहेगा। अब जो ए है घूम के यहाँ पे आ गया A2 पे, सो ये हो जाएगा B2, है ना, B2, और ये घूम रहा होगा सर ओमेगा, सॉरी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये घूम रहा होगा ओमेगा 2 से, ये भी आपका R2 है, यहाँ पे भी आपका फोर्स F2 इस डायरेक्शन में दिखेगा सर फिलहाल, दिस इज द F2। बट अगेन यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, सो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी v2, सॉरी v4, फोर है ना, ये फोर है, सो v4 शुड बी जीरो। सो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, फिर से सर मैकेनिकल एडवांटेज इस कंडीशन पे, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, दैट इज योअर जीरो डिवाइडेड बाई v2 विल बी जीरो। सो यहाँ इस पोजीशंस पे मैकेनिकल एडवांटेज जीरो है। सो ध्यान से देखना, जब सवाल पूछा जाता है तो इनपुट आउटपुट क्या दिया है, अगर आपको इस तरीके से सवाल दिया, इस तरीके से सवाल दिया और ये जस्ट आउटपुट बोल दिया भाई, ये देखें, ये अगर मैंने ओमेगा आउटपुट बोल दिया, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, आउटपुट कब पॉसिबल है, जब इनपुट यहां से मिल रहा होगा, यह आउटपुट तब पॉसिबल है जब इनपुट यहां से मिल रहा होगा, मतलब ये इंजन होगा सर। सो इस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। कई स्टूडेंट क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज बस रट के चले जाते हैं कि ऐसा पोजीशन है, आपको दिखेगा प्रीवियस ईयर में ऐसा पोजीशन है तो मैकेनिकल एडवांटेज इन्फिनिटी। नहीं बेटा नहीं, इस केस में तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ध्यान रखना भाई, ग्रेट कॉन्सेप्ट, ठीक, बहुत बेहतरीन चीज बताया हूं आपको मैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज जीरो होगा, इन्फिनिटी नहीं होने वाला, ठीक, ठीक है सर, है ना, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट सर। इस केस में तो आपने बोला कि ऐसा ऐसा है, ठीक है ना, रेसिप्रोकेटिंग इंजन है तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज जीरो होगा, हमने मान लिया। सो इन्फिनिटी कब होगा, चलिए देखते हैं, इरेज कर रहा हूँ भाई। अच्छा इसको इरेज नहीं करना था, इसको फिलहाल, क्योंकि इस पर नया बात करते हैं पूरा। अब सेकेंड, रेसिप्रोकेटिंग पंप या कंप्रेसर है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, पंप और कंप्रेसर है सर, कंप्रेसर है बिल्कुल। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो, अगर ये पंप या कंप्रेसर होगा सर, सो ये इनपुट होगा सर, अब ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। पंप या कंप्रेसर में आप मोटर को चलाते हो, वहां पे मोटर पंप को रन करेगा या तो कंप्रेसर को रन करेगा, ठीक है ना। तो इनपुट कैसा, क्रैंक से होगा, आउटपुट कहां से मिलेगा, यहां से, ठीक। सो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द इनपुट। मैकेनिकल एडवांटेज सर, मैकेनिकल एडवांटेज आपका था, है ना, जो लिखा था इससे पहले सेम होगा। मैकेनिकल एडवांटेज सर हमारा क्या होने वाला है, आउटपुट टू द इनपुट, ठीक। सो मैकेनिकल एडवांटेज आउटपुट टू द इनपुट होगा, बिल्कुल सर। चलिए आउटपुट क्या है, यहां पे अगर टॉर्क होता T4, सो यहां पे होता T2, लेकिन ये तो टर्म में नहीं है सर, टॉर्क के टर्म में नहीं है, फोर्स के टर्म में बिल्कुल है, मतलब डायरेक्ट F4 डिवाइडेड बाई F2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं सर। दिस इज द आउटपुट, दिस इज द इनपुट, नाउ दिस इज v2 डिवाइडेड बाई v4, लिख सकता हूं, वेलोसिटी रेसिप्रोकल में आ गया बिल्कुल। सो दिस शुड बी द मैकेनिकल एडवांटेज फॉर द पंप और कंप्रेसर। पहला केस एक्सट्रीम पोजिशन वाला, पहला केस, केस नंबर वन, अगर मैंने बोला कि इस तरीके से है, ठीक, आपका सर जो इनपुट है वो तो आप दे रहे हैं, ठीक है, ये इनपुट ओमेगा टू से घूम रहा होगा, ठीक, ये R2 हो गया, सो यहाँ पे टॉर्क भी मिल रहा होगा, टॉर्क भी मिल रहा होगा, तो फोर्स भी सर हम निकाल सकते हैं और वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं।
सो वेलोसिटी ये वी टू इस तरीके से चल रहा होगा। यहां पे वी फोर क्या होगा सर? जीरो होगा सर। वी फोर क्या होगा? जीरो होगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? वी टू डिवाइडेड बाई वी फोर। मैकेनिकल एडवांटेज है वी टू डिवाइडेड बाय वी फोर। वी फोर क्यों जीरो हुआ? बिकॉज एक्सट्रीम पोजिशन। सो अगर ये जीरो है तो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज टर्न्स टू इंफिनिटी। मैकेनिकल एडवांटेज टर्न्स टू इंफिनिटी होगा इस केस में, इस केस में, ठीक। एंड दिस इज व्हाट, यहां पे इस पर्टिकुलर पोजिशन पे आप कह सकते हो कि ये आपका टॉगल पोजिशन है, ये आपका टॉगल पोजिशन आप कह सकते हो, ठीक। यस सर, दिस इज द टॉगल पोजिशन। नाउ सिमिलरली अगर मैं केस नंबर टू बोला, केस नंबर टू बोला, वो इस तरीके से हो जाएगा। ये हो गया ओमेगा टू, ये हो जाएगा वी टू, वी टू सर, वी टू, ठीक। यहां पे वी फोर फिर से जीरो होगा सर, जीरो होगा। मैकेनिकल एडवांटेज यहां पे भी क्या हुआ इस पोजीशन पे? वी टू डिवाइडेड बाय वी फोर सर, दैट इज योर टर्न्स टू इन्फिनिटी। अगेन मैकेनिकल एडवांटेज इन्फिनिटी मिल रहा है। सो एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्चुअली अगर मैं बोलूं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? इन्फिनिटी होगा इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप और कंप्रेशर। सो बात क्लियर हुई कब कैसे क्या कंसिडर करना है? सो ये बेटा इनपुट दिया रहेगा। अब देखो क्वेश्चन में इनपुट था, ये इनपुट था। अगर सवाल में आपको ऐसा फिगर दिया है, लेट अस अज्यूम ये इनपुट है, इनपुट है, ठीक। सो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। अगर ये क्रैंक इनपुट है तो आउटपुट आपका क्या हो गया? पिस्टन हो गया। मतलब सर ये तो पंप या कंप्रेसर का केस है। सो यहां पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी होगा। सो ध्यान रखना भाई, ठीक, ये खेल सकता है आपके साथ, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चैप्टर नंबर वन आपका खत्म हो गया। चैप्टर नंबर वन से अगर मैं बोलूं आपको, मैंने क्रैश कोर्स वर्कबुक प्रोवाइड किया था, ठीक, क्रैश कोर्स वर्कबुक प्रोवाइड किया था और होपफुली आप वो चीज फॉलो कर रहे होंगे। सो वहां से हम सवाल देख लेते हैं भाई, आपने बनाया है नहीं बनाया? मेरे पास भी सॉफ्ट कॉपी है अभी, है ना, तो सॉफ्ट कॉपी से ही बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, सवाल नंबर वन कह रहा है, व्हेन अ सिलेंडर इज लोकेटेड इन अ वी ब्लॉक द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम विच आर अरेस्टेड, अरेस्टेड बोला है मतलब रिस्ट्रेन कर रहा होगा। सर ये तो क्लास में कराए थे क्वेश्चन नंबर वन। सो आपका अगर एक वी ब्लॉक में सर एक सिलेंडर को रख रहे हैं, तो ये जो सिलेंडर है ये सिर्फ इज नॉर्मल टू द बोर्ड मूव कर सकता है, ट्रांसलेट कर सकता है और ये ऐसे ही रोटेट कर सकता है। दो ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बाकी चार को ये रोक दिया है, चार इसका अरेस्टेड होगा, है ना। अरेस्टेड आपका कितना होना चाहिए? फोर, फोर। सो भाई अगर मैं कहूं इसका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, आसानी से सॉल्व होते जाएंगे अगर आप लेक्चर फॉलो किए हैं तभी आसानी से होगा, और नहीं तो नहीं बनने वाला भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेक्चर पूरा फॉलो करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, है ना, और ये चीज़ें सर चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं, ये फीलिंग आएगा आपका। चलिए देखते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स इन अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लेनर मैकेनिज्म विद बोथ हायर पेयर एंड लोअर पेयर काइनेमेटिक पेयर्स, है ना। हायर पेयर और लोअर पेयर दोनों के साथ आपका मिनिमम नंबर ऑफ लिंक, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक, तो एल इक्वल टू क्या था? टू जे प्लस एच प्लस फोर डिवाइडेड बाई थ्री सर। जब मैंने जे इक्वल टू यहां पे रखा था कितना? टू, और
और एच इक्वल टू मैंने रखा था 1, ये कहां से आया था? आपका ये वाला फॉर्मूला, एफ इक्वल टू 3L-1-2J-H सर, और इस पे बोला है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कर दो, 1 कर दो तो ये इक्वेशन आ जाएगा, एफ इक्वल टू 1 रखो तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। और उस पे अगर मैं ट्रायल एरर से जे इक्वल टू 2 रखा और एच इक्वल टू 1 रखा, सो आपका ये आ जाएगा 9/3, सो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक टू मेक अ चैन विल बी 3, और कैसे बनता है उसको प्रैक्टिकली भी बताया हूँ, लेक्चर देखना जरूरी है उसके लिए। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। हायर काइनेमेटिक पेयर दिख रहा है लाइन कॉन्टैक्ट, मतलब पी का हो गया 2, उसके बाद दिख रहा है लोअर काइनेमेटिक पेयर सरफेस कॉन्टैक्ट, क्यू का हो गया 6। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म शेपर या प्लेनर, सो आपका आर का हो सकता है शेपर या प्लेनर, 4 या 5 दोनों में से एक हो सकता है। मोबिलिटी ऑफ लिंकेज, सो आपका एक ही बज रहा है, दैट इज योअर ग्रबलर्स इक्वेशन। सो एस ग्रबलर्स इक्वेशन में अपन क्या देखते हैं, आपका ग्रबलर्स क्राइटेरिया देख रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो मोबिलिटी ऑफ लिंकेज के बारे में वो भी बात करता है, बिल्कुल करता है सर। सो यहां से आपका एस का क्या हो जाएगा, एस का दैट इज योअर मोबिलिटी ऑफ 1 1। सो अब ऑप्शन मैच कीजिए 4 ऑप्शन में से, 2 6 4 3। सो 2 6 4 तक तो सही है, एस का 3 पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वेरिएशन हो सकता है तो आर में हो सकता है, बाकी तक का तो ऑप्शन फिक्स है, बाकी का मैच फिक्स है, ठीक है ना। सो ऑप्शन बी देखते हैं, 6 2 गलत, ऑप्शन सी 6 2 गलत, ऑप्शन डी 2 6 5 1, 2 6 5 1 ये एकदम करेक्ट मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द मोबिलिटी ऑफ लिंकेज है ना निकालना है, अब प्लेनर्स मैकेनिज्म, अब प्लेनर मैकेनिज्म हैज 8 लिंक्स, 8 लिंक है, ठीक, ज्वाइंट कितना है 10 है सर, ज्वाइंट 10 दे दिया है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। सो यह सिंपल है, एप इक्वल टू हायर पेयर 0 है ना, तो एप इक्वल टू 3L-1 मतलब 3 × 7 − 2J, तो 2 × आपका 10 एंड इट विल बी 1, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 आएगा। सो एज पर द क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। आगे अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से दिया है, क्या ये क्लास में करवाया हूं मैं, ये क्या था आपका एक कंस्ट्रेंट था भाई कि जो कुर्ज़बैक इक्वेशन है वो सारी बातें नहीं करता, सो ये इस तरीके से मैंने इसको करवाया था कि अगर पैरेललिज्म वाला केस आया, सो यहां से दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है 1, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है 1, कैसे क्यों किस तरीके से है ना वो हमने बात किया था। सो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आपका इस तरीके से कोई मैकेनिज्म दिया है, ये आपका टर्नरी लिंक है, वाओ, ठीक, ये वाला सवाल बनाना है भाई, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। सो ये हो जाएगा सर लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1 ही है तो फिक्स्ड है सर, फिक्स्ड है, ये पूरा टर्नरी लिंक है तो ये एक लिंक हो गया लिंक नंबर 2, ये आपका एक लिंक है, ठीक है, लिंक नंबर 3 ये हो जाएगा लिंक नंबर 4, ये फिर से पूरा टर्नरी लिंक है, सो लिंक नंबर 5, और ये हो गया लिंक नंबर 6। सो एल इक्वल टू यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको 6, L इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा 6, ठीक, नंबर ऑफ ज्वाइंट सर 1, क्योंकि एक ही ये वाला लिंक और ये वाला लिंक कनेक्टेड है 1, ये वाला लिंक और 2 लिंक कनेक्टेड है 2 3
फोर फाइव सिक्स सेवन. सो जे इक्वल टू सर सेवन. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम एप इक्वल टू 3 × 5 माइनस 2j, तो 2 × 7. सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है इसका 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम 1. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. आसान, कितना प्रैक्टिस किए हैं, कितना प्रैक्टिस किए हैं, आसान से है ना क्वेश्चन है ये, आप बना लेंगे. ठीक, सो इसका आंसर ऑप्शन आ रहा था सी. अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इरेज कर रहा हूं, जो नहीं बनाए होंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं भाई. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ काइनेमेटिक चैन. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कई स्टूडेंट इस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं कि कुछ फिगर में कोई लिंक फिक्स किया है, कुछ फिगर में लिंक फिक्स नहीं किया है. तो ठीक है यार, आपको मैंने मैकेनिज्म का तो कॉन्सेप्ट दिया है, तो सब में खुद से एक एक लिंक फिक्स कर लो. ठीक, ये एक हो गया, ये दो हो गया, इस पर लिंक फिक्स करके दिया ये. ये तो क्या था आपका सर, डबल स्लाइडर क्रैंक चैन, ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक चैन है. तो ये तो साफ साफ अपने को यहीं से दिख जा रहा है. ठीक, एक है, 4 बार भी दे रखा है, तो ये तो पढ़े हुए में से है सर, इस तरीके से है ये 4 बार है ना, ऐसा कुछ है ना. माय डियर, अगर मैं बात करूं सब में, आप चाहो तो एक एक लिंक फिक्स कर दो. ये लो भाई, इसको मैं फिक्स कर दिया सर, इस पे मैंने स्लॉटेड बार को फिक्स कर दिया, मेरी मर्जी सर, मेरी मर्जी. एक एक लिंक को आपने फिक्स करने बोला था, सो एक एक लिंक मैंने फिक्स कर दिया भाई, फिक्स कर दिया. ठीक, इस पे भी एक लिंक फिक्स कर दिया. तो सब में देखिए, अगर काउंट करोगे तो ये हो गया लिंक नंबर 1, ये हो गया 2, ये आपका 3, और ये स्लाइडर 4, 4 लिंक. यहाँ पे भी अगर काउंट करूंगा तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया वापस 1. तो यहाँ पे भी 4 लिंक. यहाँ पे अगर एक स्लॉटेड बार हो गया, एक स्लाइडर, एक ये स्लाइडर, तो 3, और ये लिंक. सो यहाँ पे भी 4 लिंक, एक स्लॉटेड बार हो गया, एक स्लाइडर हो गया, एक सर ये हो गया, और एक ये स्लाइडर हो गया. सो यहाँ पे भी 4 लिंक, और यहाँ पे भी 1 2 3 4. सो सब में लिंक कितने हैं, 4. ज्वाइंट कितना हुआ, 1 सर 2 सर 3, 3 बाइनरी ज्वाइंट, और एक स्लाइडिंग पेयर, वो भी लोअर पेयर होगा, तो 4. यहाँ पे 1 2 3 और एक स्लाइडिंग पेयर सर, मतलब ये भी 4 है. यहाँ पे सर ये 1 टर्निंग पेयर, 1 टर्निंग पेयर, 2 और एक स्लाइडिंग पेयर, और 2 स्लाइडिंग पेयर, यहाँ पे भी 4 है. और यहाँ पे भी देखिए, 4 लिंक और 4 ज्वाइंट है. सो आपका सबके लिए नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ ज्वाइंट यही हुआ. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सबका कितना आने वाला है, 3L-1 -2j. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम सबका 1 आया. और जिसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिस मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है, वो क्या होता है, काइनेमेटिक चैन. सो यहाँ पे चारों के चारों, मतलब 1 2 3 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज चारों के चारों आपके क्या होंगे, काइनेमेटिक चैन होंगे. ठीक, क्वेश्चन नंबर 8. इस तरीके से पूछ दिया. ऐसा दिया है जी, ये फिक्स कर दिया, ये आपका
टर्नरी लिंक है। सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। तो ये हो गया लिंक नंबर वन जिसको फिक्स किया टर्नरी लिंक, ये हो गया टू सर, ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर और ये हो गया फाइव। ज्वाइंट सर वन, दो लिंक कनेक्टेड है, यहाँ पे भी दो लिंक कनेक्टेड है, यहाँ पे भी दो, वन टू थ्री, यहाँ पे भी दो लिंक कनेक्टेड है, फोर फाइव सिक्स। सो नंबर ऑफ लिंक हो गया पाँच, ज्वाइंट हो गया सिक्स। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐप इक्वल टू 12 माइनस 12, इट शुड बी ज़ीरो, इट शुड बी ज़ीरो। सो इसका आंसर ऑप्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम ए, इसका आंसर ऑप्शन आपका ए होगा भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर नाइन। सो क्वेश्चन नंबर नाइन में देखिए आपको बोला है कि वो कौन सा मैकेनिज्म जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन नहीं है। बोला है विच ऑफ द मैकेनिज्म शोन अबव डू डज नॉट हैव सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। सो पहला इस तरीके से दिया है भाई, ये दिया है, सेकंड में चार रोलर दे दिया है, और चौथा फिगर ये दिया है। इस तरीके से दिया है, चार फिगर दिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है यार, काउंट कर करके ना निकालना शुरू करो। देखिए सबके सब रोलर है, तो इस पे रोलर के बीच में आपस में हायर पेयर होने वाला है, बाकी तो आपको पता है लोअर पेयर कैसे होता है। जैसे कि सर ये हिंज है, सो ये लिंक नंबर वन हो गया, ये टू हो गया, ये लिंक नंबर थ्री हो गया, ये वापस हिंज है, तो ये लिंक नंबर वन हो गया, फिक्स है ना। ठीक, सो ये आपका टोटल कितने लिंक हो गए, थ्री, यहाँ पे कितने लिंक हो गए, थ्री। हायर पेयर कितना है, हायर पेयर कितना है, वन सर। लोअर पेयर कितना है आपका सर, लोअर पेयर वन और टू। थोड़ी देर पहले मैंने मिनिमम नंबर ऑफ लिंक में यही तो बात किया था कि आपका क्या हो सकता है, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक तीन अगर है आपका, तो एक हायर पेयर और दो लोअर पेयर रहेगा, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑब्वियसली कितना आएगा, वन सर, वन करके देख लो फॉर्मूला में रख के, डिग्री ऑफ फ्रीडम वन आ रहा है। इस पर अगर मैं बात करूंगा अगेन, ये हो गया वन, ये हो गया आपका लिंक नंबर टू, ये लिंक नंबर थ्री, ये वापस आपका वन, यहाँ पे एक ज्वाइंट, यहाँ पे दो ज्वाइंट है ना। सो आपका लिंक है थ्री वापस से, और आपका जो ज्वाइंट है लोअर पेयर वो दो, और एक हायर पेयर, ये हायर पेयर, सो वन। सो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा सर, वन सर, वन आएगा सर। इस पे बात करता हूँ, इस पे बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये लिंक नंबर वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये वन हो गया, सब फिक्स था है ना। यहाँ पे ये वाला रोलर टू थ्री फोर फाइव सर, टोटल लिंक यहाँ पे फाइव है, ज्वाइंट वन टू थ्री फोर, सो लोअर पेयर सर आपका फोर है, हायर पेयर सर वन टू थ्री, सो हायर पेयर आपका थ्री है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐप इक्वल टू थ्री एल माइनस वन, मतलब थ्री इंटू फोर माइनस टू जे, टू इंटू फोर माइनस एच थ्री, सो ये हो जाएगा वन, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन आ रहा है। ये काउंट करना रहा, ये तो अभी सीखे थे इसलिए मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन काउंट कर सकते हैं क्या फॉर्मूला से, आराम से सर। ठीक, इसकी बात करता हूँ, इस पे मैंने आपको सिखाया था अलग से, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम करवाया था, ये वन हो गया लिंक नंबर वन, ये आपका रोलर लिंक नंबर टू, ये वाला थ्री और ये वाला फोर, टोटल लिंक आपका फोर। ज्वाइंट अगर बात करोगे तो यहाँ पे दो बाइनरी ज्वाइंट है, बिकॉज लिंक नंबर वन, लिंक नंबर टू और लिंक नंबर थ्री एक ही जगह पे कनेक्टेड है, और एक ज्वाइंट पे अगर तीन लिंक कनेक्टेड है तो दो इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा, यस सर। सो जे इक्वल टू यहाँ पे टू हुआ और ये वन, सो प्लस थ्री, प्लस वन आपका थ्री हो जाएगा, सो जे इक्वल टू थ्री, एक हायर पेयर सर, एक हायर पेयर। सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालने जाएंगे तो ये टू आ रहा था, सो यस इसका आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन नहीं होने वाला, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, टू होगा, टू होगा,
और ये ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन का एग्जाम्पल था, आई टोल्ड यू बिफोर दैट। ठीक, सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक की बातें हुई। सो क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ और सिर्फ ये है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 नहीं है, मतलब ओनली 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन डी ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, है ना। हाँ चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। सवाल नंबर 10 क्या है, कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा है फर्स्ट, कह रहा है ग्राहम्स रूल स्टेट दैट फॉर अ प्लेनर क्रैंक रॉक का 4 बार मैकेनिज्म द सम ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक, ओके, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिंक का सम कैन नॉट बी लेस देन टू द सम ऑफ रिमेनिंग 2 लिंक्स, कैन नॉट बी लेस देन मतलब ग्रेटर देन पी एंड क्यू। सो ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा था ग्राफ्स लॉ, तो ये कह रहा था एस प्लस एल शुड बी लेस देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू फॉर द वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द लिंक, है ना। सो ये आपका ग्राफ्स लॉ था, ये नहीं था, तो पहला ही इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट है। ठीक, सो आंसर ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। बाकी जो स्टेटमेंट है वो भी पढ़ लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है। कह रहा है इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाई फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स वन एट अ टाइम, बिल्कुल सही, यही तो इन्वर्जन था। सी जिनेवा मैकेनिज्म इज एन इंटरमिटेंट मोशन डिवाइस, तो ये नहीं पता था आपको, कहीं पे मैंने पूरे लेक्चर में बात नहीं किया, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जिनेवा मैकेनिज्म यस इंटरमिटेंट मोशन के लिए इस्तेमाल होता है, अगर मैं बात करूँ सो आपके जो क्लॉक्स होते हैं, घड़ी होते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है इंटरमिटेंट मोशन काटे का। ठीक, या मैं बोलूँ आपका एक्चुअली जो मिलिंग होता है, इंडेक्सिंग, है ना, मिलिंग में इंडेक्सिंग जो करते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड रहता है जिनेवा मैकेनिज्म, जो कि इंटरमिटेंट कंटिन्यूअस मोशन इनपुट होता है उसका, आउटपुट इंटरमिटेंट मोशन होता है। सो आज के बाद कोई भी आपको जिनेवा मैकेनिज्म बोले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यस इंटरमिटेंट मोशन उसका आउटपुट होगा, क्लियर। ठीक, सो इंटरमिटेंट मोशन देता है, बिल्कुल सही है। नंबर 4, ग्रबलर्स क्राइटेरिया एज्यूम मोबिलिटी ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म टू बी 1, ये तो मैंने कराया, यस, तो डी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका इनकरेक्ट है, सो यही आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा प्लेनर क्लोज्ड काइनेमेटिक चैन इज फॉर्म पी क्यू, क्लोज काइनेमेटिक चैन आपका फॉर्म कर रहा है, पी क्यू है 2 मीटर, उसके बाद क्यू आर है 3 मीटर और आर एस 2.5 मीटर, एस पी 2.7 मीटर, ये दे रखा है 2.7 मीटर, मतलब इस तरीके से पी क्यू क्यू आर एस ऐसा कुछ है, लेट अस ऐसे। ठीक, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, सो S और P के बीच ये 2.7 मीटर है, ये आपका P और Q के बीच 2 मीटर है, Q R के बीच 3 मीटर है और R S के बीच 2.5 मीटर है। लॉ सेटिस्फाई कर रहा है क्या, सबसे पहले तो ये चेक कर लो, क्योंकि इस पे बोल रखा है कि द लिंक टू बी फिक्स्ड ऑब्टेन अ डबल रॉकर, रॉकर के लिए, हाँ ना, डबल रॉकर के लिए। अगर लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोई भी लिंक फिक्स कर लो और डबल रॉकर मिलने वाला है। अगर लॉ सेटिस्फाई कर रहा है सो शॉर्टेस्ट लिंक शुड बी कपलर, शॉर्टेस्ट लिंक शुड बी कपलर, तभी आपका डबल रॉकर होगा। ये बात एकदम क्लियरली अपने को समझ में आना चाहिए, हाँ चीज, ये चीज हम पढ़े हैं सर। सो देखिए अगर मैं बोलूँ लॉ सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, सो पूरे मैकेनिज्म में लॉन्गेस्ट लिंक है 3, शॉर्टेस्ट है 5,
सो शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इक्वल टू 5, 2 + 3, एंड रिमेनिंग टू लिंक जो आपका है पी प्लस क्यू, सो ये आ रहा है 5.2. सो ऑब्वियसली सर लॉस सेटिस्फाई कर रहा है, एस प्लस एल इज लेस देन पी प्लस क्यू, तो लॉस सेटिस्फाई कर रहा है. सो एस शुड बी कपलर. ये कपलर, ये शॉर्टेस्ट लिंक कपलर कब हो सकता है, जब ये फिक्स होगा. सो आर एस शुड बी फिक्स्ड डबल रॉकर के लिए. रॉकर रॉकर बोला है, यस, डबल रॉकर के लिए आर एस शुड बी फिक्स्ड. सो आर एस मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक, सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देखते हैं क्या बोला है. फोर बार मैकेनिज्म विथ ऑल रिवॉल्यूट पेयर्स, ओके, हैज लिंक्स एल एफ, एल एफ इक्वल टू 20 mm दिया है, एल इनपुट ओके 40 mm, एल कपलर आपका 50 mm, और एल आउटपुट आपका कह रहा है 60 mm. द सफिक्स एप इन को एंड आउट डिनोट द फिक्स लिंक. ये फिक्स लिंक बता रहा है, ये इनपुट लिंक बता रहा है, और आपका ये कपलर और ये वाला आउटपुट लिंक बता रहा है रिस्पेक्टिवली. कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट लिंक्स. है ना, कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है. कह रहा है बोथ लिंक्स एग्जीक्यूट पुल सर्कुलर मोशन. तो सबसे पहले तो लॉस देखना पड़ेगा अपने को, ग्रासहॉपर लॉ कि क्या बोलता है. सो इस पे शॉर्टेस्ट लिंक अगर देखोगे, शॉर्टेस्ट लिंक 20, लॉन्गेस्ट लिंक 60. सो 20 प्लस 60 मतलब एस प्लस एल आपका कितना हो गया 80 mm. पी प्लस क्यू जो बचा हुआ है, पी प्लस क्यू आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी 90 mm. क्या लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर, लॉ सेटिस्फाई हो रहा है, एस प्लस एल इज लेस देन पी प्लस क्यू, सो लॉ सेटिस्फाई हो रहा है. अब देखिए अगर फिक्स लिंक शॉर्टेस्ट है, सो आपका ये क्या देगा सर, क्रैंक क्रैंक, इनपुट और आउटपुट दोनों आपका कंप्लीट रोटेशन में होने वाला है. सो बोथ लिंक कैन एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन, इनपुट और आउटपुट, यस यस सर, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. है ना, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी देखिए क्या बोला है, बोथ लिंक कैन नॉट एग्जिट, कैसे नहीं एग्जीक्यूट करेगा यार, सर्कुलर मोशन तो एग्जीक्यूट करेगा ना, शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है, शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है, लॉ सेटिस्फाइड है, मतलब ये क्रैंक क्रैंक मैकेनिज्म है, क्रैंक क्रैंक, इनपुट और आउटपुट दोनों कंप्लीट रोटेशन में आने वाला है, बाकी ऑप्शन गलत है, यस सर. ठीक, सो ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ. क्वेश्चन नंबर 13, देखिए दे रखा है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का है ये, है ना, कह रहा है कि इस तरीके से दिया है, ये दे रखा है ओ भी, कह रहा है क्रैंक ओ ए रोटेट्स क्लॉकवाइज यूनिफॉर्मली. ठीक, ये क्लॉकवाइज, ये ओ ए है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है. कह रहा है ओ ए 2 cm है, ये वाला डिस्टेंस 2 cm है, एंड ओ ओ डैश ये 4 cm है, 4 cm. सो इसका क्या निकालने बोला है, द रेशियो ऑफ द टाइम फॉर द फॉरवर्ड मोशन. सो फॉरवर्ड मोशन का टाइम डिवाइडेड बाय रिटर्न टाइम, रिटर्न मोशन का टाइम, मतलब सर टी एफ बाई टी आर, मतलब थीटा एफ बाई थीटा आर, सिंपल, थीटा एफ बाई थीटा आर पूछ रहा है, क्विक रिटर्न रेशियो पूछ रहा है. सो थीटा एफ बाई थीटा आर निकालना सर, तो एक्सट्रीम पोजिशन पर ले जाके बात कर सकते हैं. अभी एक देखिए, गुरु ज्ञान दे रहा हूँ, इन जनरल इसी तरीके के सवाल आते हैं. अगर क्रैंक, ये क्या है, क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, अगर उस पे ये कनेक्टिंग रॉड फिक्स कर रहे थे तभी मिल रहा था, तो ये कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा रहा कि ये वाला जो लेंथ है इससे डबल रहा, मतलब ओ ओ डैश, ओ ओ डैश और ओ ए दोनों का लेंथ देखोगे 4/2 है, मतलब इक्वल टू 2 आ रहा है. अगर ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है इस तरीके से 2 रहा, दिस डिवाइडेड बाय दिस अगर 2 रहा, तो इसका हमेशा क्विक रिटर्न रेशियो 2 मिलने वाला है, फॉरवर्ड बाय रिटर्न ना, और रिटर्न बाय फॉरवर्ड बोलेगा तो 0.5 हो जाएगा भाई,
लेकिन आपको अभी फॉरवर्ड बाय रिटर्न क्विक रिटर्न रेशियो अगर बोला है, सो ये हो जाएगा थीटा एफ बाय थीटा आर शुड बी इक्वल टू 2। ये हमेशा याद रखना, और ये तभी तभी होगा जब आपका क्या रहे, ये वाला और ये वाला रेशियो 2 रहे, है ना। मतलब इसका और इसका 2.1 है तो वैलिड नहीं है, 2.2 है तो वैलिड नहीं है, उसके आगे पीछे वैलिड नहीं है, एग्जैक्ट 2 पे वैलिड रहेगा। कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ अगर आपका इस तरीके से रहा कि ये डिवाइडेड बाई ये वाला 2 मिल रहा है, तो क्विक रिटर्न रेशियो भी 2 मिलेगा। मतलब इसके अपोजिट भी, कि अगर आपको इस तरीके से देखता सवाल कि ये जो मैकेनिज्म है इसका क्विक रिटर्न रेशियो 2 है, और ये लेंथ नहीं दिया रहता, ये लेंथ नहीं दिया रहता, सिर्फ ये लेंथ दिया रहता, बोलते हैं ये लेंथ निकालो, तो आप तुरंत बोलना चाहिए आपको, सर अगर ये 4 है तो इसका आंसर 2 होगा, 2 सेंटीमीटर शुड बी द आंसर, क्रैंक लेंथ 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक। सो ये मैंने गुरु ज्ञान दिया, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर केसेस अगर 10 बार पूछे होंगे, सो 8 बार ना क्विक रिटर्न रेशियो 2 लेके बात किया है, सो आपको तुरंत ये चीज़ क्लिक करना चाहिए, टाइम बचाना ना भाई, ठीक। चलिए फिर भी सर अब ना, ये तो आपने ज्ञान दे दिया, ठीक, अगर ये क्विक रिटर्न रेशियो 2 नहीं रहेगा फॉर एग्जाम्पल तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए है ना, अभी 2 ही है उस पर ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने बोला था क्विक रिटर्न रेशियो के लिए हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन, सर इसका एक्सट्रीम पोजीशन ये तभी होगा जब ये दोनों इस तरीके से 90 डिग्री में होगा, ऑब्वियसली सर ये आपका 90 डिग्री हो रहा होगा। जहाँ पे भी आ रहा है ना एग्जैक्ट, चलिए ये 90 डिग्री है, लेट अस अज्यूम ये 90 डिग्री, ठीक। ए पॉइंट अभी यहाँ पे आ गया, ये 2 सेंटीमीटर है ऑब्वियसली, ओ ए 2 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर है सर, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2, सो ये आपका क्या हो गया बेस हो गया, ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया, सो कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू सर दैट इज योअर बेस और हाइपोटेनियस, सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2 सर। सो यहाँ से आपका कॉस इनवर्स अगर करूँगा तो अल्फा बाई 2 आपका आ रहा है 60 डिग्री, मतलब अल्फा इक्वल टू आ गया सर 120 डिग्री, सो अल्फा आपने निकाल लिया। क्विक रिटर्न रेशियो क्या था दैट इज योअर, अच्छा ठीक है अल्फा के इसको इस ऐसा 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 सॉरी एक गलती, कि मैंने इसको थीटा आर बाई 2 माना था, थीटा आर बाई 2 है क्योंकि कई लोग फॉर्मूला जैसा लिखे हैं वैसा ही चलते हैं, सो ये थीटा आर बाई 2 हो गया सर, सो थीटा आर मैंने निकाल दिया, थीटा आर निकाल दिया, सो क्विक रिटर्न रेशियो क्या था, क्विक रिटर्न रेशियो इक्वल टू सर थीटा एफ बाई थीटा आर, या आप इस तरीके से लिख दीजिए कि 360 माइनस थीटा आर डिवाइडेड बाई थीटा आर, सो ये 360 माइनस 120 मतलब 240 डिवाइडेड बाई 120 कितना आया 2 आया, वही तो बोला था, वही तो बोला था, सो 2 शुड बी द आंसर। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला है, क्विक रिटर्न रेशियो 2 दिया है, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये आपके लिए है, अब है ना। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्विक रिटर्न रेशियो क्या दिया है, 2 दिया है, और आपका जो क्रैंक का लेंथ दिया है वो 125 mm है, और ये कनेक्टिंग रॉड ये वाला लेंथ पूछा है, ये 125 mm दे दिया है ये पूछा है, और क्विक रिटर्न रेशियो 2 है, सो सर अगर ये 125 होगा तो इससे डबल सर दैट इज योर 250 mm, 250 mm शुड बी द आंसर, सो क्वेश्चन नंबर 15 का 250 mm होना चाहिए आंसर, ऑप्शन डी, खुद से करके भी देखिएगा, ठीक है ना, दिस इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। सो यहाँ पे आपका अब मैं कह सकता हूँ कि थ्योरी ऑफ मशीन में चैप्टर नंबर 1 के सारे सवाल, प्लेनर मैकेनिज्म के सारे सवाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से मैं वेलोसिटी एनालिसिस शुरू करूंगा, जो मैकेनिज्म हमने पढ़े हैं उसका वेलोसिटी एनालिसिस करेंगे। सो होपफुली गैस आपको मजा आया ये लेक्चर में, बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें मैंने किया है ना, आप इंजॉय किए होंगे एक एक कॉन्सेप्ट को, और साथ के साथ अब आप ये अप्लाई करने में एबल होंगे, ठीक। सो ठीक है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।